देखिए, पार्लियामेंट में 370 बिल के एब्रोगेशन का बिल लाने से पहले फारूक अब्दुल्ला से प्रधानमंत्री ने बैठकर मुलाकात की, वो सारी दुनिया ने देखा। अब फारूक अब्दुल्ला के ऊपर कैसा पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग सकता है, वो थ्रेट कैसा होगा देश के लिए? जब प्रधानमंत्री को अगर किसी से ख़तरा होगा तो प्रधानमंत्री क्यों मिले फारूक अब्दुल्ला से? दूसरी बात, अमित शाह होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में चीख मार मार कर बोलते रहे कि ना उनको डिटेन किया गया, ना अरेस्ट किया गया। अब आप बताइए, आप झूठ बोल रहे थे क्या जब आप? तीसरी बात, मसरत आलम तो एक नॉन सेपरेटिस्ट है, तो फारूक अब्दुल्ला एक चीफ मिनिस्टर है, तो फारूक अब्दुल्ला को और मसरत आलम को आपने दोनों को मिला दिया, और उन पर भी PSA, इन पर भी PSA। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ड्रेकोनियन एक्ट वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। एक एक्स चीफ मिनिस्टर, 80 साल का एक ज़ईफ शख्स, उससे डर हो रहा है आपको? तो इसका मतलब ये है कि आप कश्मीर में कोई नॉर्मलसी है ही नहीं। आप जो बोल रहे हो सरासर झूठ है कि सब खुल गया। जब एक 80 साल का चीफ मिनिस्टर और PSA लगा रहे आप, तो कहाँ की नॉर्मलसी वहाँ पर? तो इससे पूरा जाहिर हो रहा है कि आपने मेसअप कर दिया पूरा वहाँ पर। मसरत आलम को और फारूक अब्दुल्ला को आपने एक ही सफ में लाके खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री एक दिन पहले पार्लियामेंट में बिल आने से पहले मिलते हैं, उस वक्त थ्रेट नहीं थे। होम मिनिस्टर अमित शाह पुकार पुकार कर कह रहे थे पार्लियामेंट में कि फारूक अब्दुल्ला ने अरेस्ट किया गया, ने डिटेन किया गया, अब क्या हुआ? यानी और हेबियस कॉर्पस का मतलब ही क्या रहेगा बाकी फिर? अब अल्लाह ही जाने, अब हेबियस कॉर्पस का माने क्या निकलने वाले अब तो। क्या बोले हैं, क्या जुवेनाइल सेंटर्स का मायना करा लें? हम तो उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन बना दे और कश्मीर में जितने जुवेनाइल सेंटर्स हैं वहाँ पर जाकर देखें। जहाँ पर 100 बच्चे रहने की जगह है वहाँ पर 500 बच्चे रह रहे हैं, जहाँ पर 10 के रहने की जगह वहाँ पर 200 रह रहे हैं। तो क्या जुवेनाइल एक्ट अप्लाई नहीं हुआ कश्मीर? अब तो हम 370 एब्रोगेट करें तो हर एक्ट वहाँ पर अप्लाई होता है, तो फिर क्यों नहीं जुवेनाइल जस्टिस हो रहा वहाँ पर? ये बात बिल्कुल सही है, 14 साल के बच्चों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको तीन दिन रखकर पीट कर मारते हैं, उसके बाद इंस्पेक्टर उनके माँ बाप को बुला के हवाले कर देता। भाई कुछ तो डिफरेंस करिए, जब कानून जुवेनाइल जस्टिस का है तो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा वहाँ पर? ये मोदी सरकार ने जो मेस कर दिया है कश्मीर में, ये इसका ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है कि एक्स चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट में जाने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट से जाके भीख मांगना पड़ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट उनसे कह रहा है कि जाइए मगर पॉलिटिक्स मत करिए। क्यों नहीं करेंगे पॉलिटिक्स वो? क्या गुलाम नबी आज़ाद कोई फिलासफर है? गुलाम नबी आज़ाद कोई साइंटिस्ट है? वो पॉलिटिशियन है, MP है। ये हाल करके रख दिए कि एक्स चीफ मिनिस्टर को जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर परमिशन लेना पड़ रहा। ये तो बता रहा है कि पूरा मेस कर दिए लोग, और इसकी जीती जाती एग्जाम्पल है कि कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है। ये झूठ कह रहे हैं नॉर्मलसी है वहाँ पर। अगर नॉर्मलसी होती तो एक एक्स चीफ मिनिस्टर को क्यों परमिशन लेना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना क्यों पड़ता? एज एन एक्स चीफ मिनिस्टर, एज एन MP फ्रॉम जो MP हैं वहाँ के हैं वो जा सकते थे, मर नहीं सुप्रीम कोर्ट से जाना पड़ रहा। और पॉलिटिक्स में हिस्सा ना लें, क्यों ना लें पॉलिटिक्स में हिस्सा, बताइए आप? इसका मतलब यह है कि सरकार वहाँ पर नॉर्मलसी नहीं है। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दे रहे आप, क्योंकि फारूक अगर गुलाम नबी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है तो गुलाम नबी क्या करेंगे वहाँ पर जाकर? अगर गुलाम नबी एक चीफ मिनिस्टर हैं, वो पॉलिटिशियन हैं, वो उनके पार्टी के लीडर हैं, तो वहाँ पर जाकर के जिंदा लाश की तरह देख कर आएंगे? अजीब माहौल है वहाँ पर, अजीब ये चीज़ें हो रही हैं। Has the Supreme Court said that he should be produced? Has the Supreme Court said that he should be produced? Yeah, Supreme Court Monday directed the center to present both Farooq Abdullah and September 30. Well, if that is the order, then the government should produce him.
अदरवाइज देन द पर्पस ऑफ हेबियस कॉर्पस वुड बी फ्यूटाइल. बट माई आई कंडेम द यूसेज ऑफ PSA अगेंस्ट फारूक अब्दुल्ला. इट इज़ अ ड्रेकोनियन एक्ट, द होल वर्ल्ड नोज. अ डे बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेट फारूक अब्दुल्ला. When the Prime Minister meets anyone, how can he be a threat to India? When the Home Minister Amit Shah in Lok Sabha, he kept on saying that Farooq Abdullah is neither arrested nor detained. If that is the case, why a PSA has been applied to him? Thirdly, an ex-Chief Minister, an 80-year-old man, Masarat Alam, also the PSA, he is detained under PSA, and Farooq Abdullah also has been detained under PSA. What is the message you are sending to all the politicians and the political activists who have been voting and participating and keeping the democratic flag of India alive? Now, Farooq Abdullah and Masarat Alam have been put in one group. This clearly shows that this government has no plan A, plan B, plan C. They have acted in haste, and the people of Kashmir are repenting in leisure because of this government. That is what I have just told you, that before the abrogation of 370 in Lok Sabha or in Rajya Sabha, the Prime Minister of the country meets Farooq Abdullah. Was he not a threat to the country at that time? Then how did the Prime Minister meet him? Didn't Amit Shah say, kept on saying in Lok Sabha that Farooq Abdullah is either arrested or detained? After a month or 40 days, you apply PSA on him. And then you put Farooq Abdullah and Masarat Alam in one group. Amazing. This is a very sad set of affairs, and it is condemnable that an ex-chief minister, an 80-year-old man, is a threat to India. This is very sad state of affairs. It shows that there is no normalcy in Kashmir. If an ex-chief minister of a state to visit his own state, he's a member of parliament of that area, to go to his state, he has to go and beg to the Supreme Court that please allow me to go, and then don't do politics. He's a politician. If everything is normal, why can't you allow a normal politics? If the government claims everything is normal, why can't politics be done? Because now fundamental rights apply to JNK or Kashmir also. After abrogation of 370, fundamental rights apply. Isn't freedom of expression, freedom to voice your opinion, isn't part of Indian constitution? It clearly shows that the government has messed up, that an ex-chief minister to go to his own state, the government is contradicting themselves, and they are saying that you are lying through your teeth, because at one point you say everything is normal. You say out of so many police stations, everything is normalcy restored. Then why should a chief ex-chief minister go to Supreme Court and ask for permission? This clearly shows that there is no normalcy over there. I have no face to go to Kashmir. Twice I had gone there, and twice we had spoken to the people who believed in Indian democracy, who contested in elections, who laid down their lives despite threats from separatists and terrorists. Now you have arrested all of them, you have detained all of them, you have applied PSA on ex-chief minister. An ex-chief minister to go to Kashmir has to go and beg the Supreme Court. With what face can anyone go to Kashmir and tell them what? I cannot go to Kashmir. Sir, there's a petition to Supreme Court by BJP for live streaming and audio recordings of proceedings in Ayodhya case. What is your take? Let the Supreme Court decide. Who am I? I'm not the Chief Justice of India. And Uddhav Thackeray has actually spoken today on Ram Mandir, saying it will be a big thing for us if we are able to get the first bid for Ram Mandir. He's speaking as right before Maharashtra elections. What is your take on that? Well, maybe Uddhav Thackeray should go to Supreme Court and say the same thing to the Honorable Bench which is hearing. Why are you asking for him? Let him go and say this to the Supreme Court and see what the reaction would be. No. Let the, I hope that Supreme Court takes notice of this. Parliamentary election or state election, we see Ram Mandir issue taking the
Well, you see, the BJP and the NDA have no answer to rapid rising unemployment in India. They have no answer to factories being closed down. They have no answer to 10 lakh people being laid off in auto wire industry. They have no answer to media people being given pink slip. They have no answer to the economic problem of this country. So it is convenient for BJP to rake up all these issues so that the people's mind should be diverted. The real issue is economy, which BJP has completely failed. Amid all these crises, sir, all these allegations of unemployment, the Prime Minister is going to have a mega meeting in the USA. His address, he'll have a public meeting alongside with USA President Mr. Trump in Houston. How you see this whole preparation and whole Trump and Modi sharing the same time? ट्रेड का तो मसला हल नहीं हो रहा अमेरिका से हमारा, मगर स्टेज तो आप दोनों एक साथ शेयर करेंगे। अजीब और गरीब मामला है, ट्रेड का मसला हल ही नहीं हो रहा। यूएस और चाइना का जो ट्रेड का मसला है, उससे हमारे कंट्री के इकोनॉमी पे उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। अफगानिस्तान में यूएस क्या करने वाला है नहीं मालूम, मगर हमको भी इससे खतरा लायक है। मगर आप स्टेज शेयर कर रहे हैं, ठीक है, करिए।